नमस्ते ओम शांति। आप सब श्रोताओं का स्वागत है आपके YouTube चैनल सीख द सो द ट्रुथ लाइज विदिन में। आत्मा को पहचाने, आत्मा ही सत्य है, और फिर आत्मा को पहचान लिए तो परमात्मा को पहचान पाएंगे। तो आज के श्री वरदान में परमपिता परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं कि हम विधाता तो है ही हैं, उसके साथ हम वरदाता भी कैसे बने रहम दिल बन करके। देखें इसका मतलब क्या है। बाबा कहते हैं, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। विधाता तो क्या हो गया, लॉ मेकर हो गया कि ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है, ये राइट है ये रॉन्ग है, वो तो विधाता हो गया। लेकिन उसके साथ साथ वरदाता भी बनना है, रहम दिल भी बनना है, वो कैसे करे देखिए जरा। बाबा कहते हैं, यदि कोई आत्मा इच्छुक है, आत्मा के अंदर इच्छा है कि वो भी स्पिरिचुअलिटी में आए, या अपना काम ठीक से करे, या अपने कार्य में फुर्ती लाए, या कुछ बदलाव लाए, या जो भ्रष्टाचारी है वो चाहता है कि मैं श्रेष्ठाचारी बन जाऊँ, जो अभी तक पाप करते आया वो चाहता है कि मैं पाप से हट करके पुण्य आत्मा बन जाऊँ, तो फिर क्या करें। लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्मा के लिए विधाता मतलब लॉ मेकर तो हो आप, अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आपने ज्ञान दे दिया, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे ना करो तो अच्छा होगा, आपने तो दे दिया उनको, बता दिया क्या, लेकिन ताकत नहीं है, पावर नहीं है, करज नहीं है उनके अंदर, तो क्या करेंगे, आत्मा बल नहीं है, तो आत्मा में बल कैसे भरें। के साथ साथ रहम दिल बन, वरदाता बनो। वरदाता मतलब क्या, वरदान देने वाले, उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। तो अगर आपके पास में शुभ भावना है किसी के साथ, किसी के प्रति, और आपने उसको ज्ञान दिया, फिर आप देख रहे हो दो तीन दिन उसने ज्ञान को फॉलो नहीं किया, फिर आप रूठ गए उससे, फिर आपको उससे प्रॉब्लम आ गई, आपने फिर उसके बारे में सोचा ये तो नहीं कर सकता, अरे इसके अंदर ताकत नहीं है, अरे इसको छोड़ दो, इसको इसकी हालत ही ऐसी है, इसकी सोच ही अच्छी नहीं है, तो फिर वो वरदाता नहीं हुआ। ज्ञान देने के बाद में अगर आपने किसी को बद्दुआ दे दी इस प्रकार की, तो आपने उसकी किस्मत और ख़राब कर दी। तो परमात्मा कहते हैं वो भी पाप बन जाता है। तो ज्ञानदाता के साथ वरदाता मतलब कि उनको आप जब दे रहे हो कि ये लॉ है, उसके साथ में आपको वरदाता भी बनना ज़रूरी है। बाबा कहते हैं हम अपने फैमिली में भी ये करते हैं, ज्ञान देते हैं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, लेकिन इसको हम जब वो नहीं करते तो फिर हम क्या बन जाते हैं, और बदबू देने लगते हैं, मूर्ख है, बेवकूफ़ है, इसको अकल नहीं है, वो ऐसा है वैसा है। परमात्मा तो कहते हैं ऐसे नहीं करना। बाबा कहते हैं लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते हैं। कब बन पाएंगे वरदाता, कब बन पाएंगे शुभ भावना वाले, कब बन पाएंगे हम, जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो, हमारी सोच जो है वो परमात्मा के जैसी पवित्र हो, हम उसमें किसी के साथ में ज़्यादा फेवरेट और किसी के साथ में हम अलग ये नहीं कर सकते, किसी के प्रति हमारी भावनाएं अच्छी हैं, किसी के प्रति हमारी भावनाएं बुरी, ये नहीं हो सकता, किसी प्रांत के प्रति, किसी कल्चर के प्रति हमारी भावनाएं अच्छी हैं, किसी धर्म के लोगों के साथ में हम अच्छे हैं, किसी और धर्म के साथ अच्छे नहीं हैं, किसी कल्चर के साथ में अच्छे हैं, किसी साथ में नहीं हैं, ऐसे हम भेदभाव नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हमारे अंदर पवित्रता होनी बहुत ज़रूरी है। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है परमात्मा ने, आपको हमने बोला है, प्रॉमिस किया कि परमात्मा आपने जो हमें बोला हुआ है उसके अनुसार मैं आत्मा चलूंगी, तो वो जो बोला हुआ है उसके अनुसार अगर हम चलते हैं, सोच बोल कर्म परमात्मा के अनुसार करते हैं, तो जाकर के हमारी दुआओं का असर पड़ता है। ये तो आप सोचेंगे मैंने इतनी दुआएँ करी, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरी फैमिली मेम्बर आगे बढ़े, मेरे पेरेंट्स आगे बढ़ें, या मेरे संबंधी आगे बढ़े, मेरी वाइफ आगे बढ़े, हस्बैंड आगे बढ़े, लेकिन क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि एक जगह तो हम बोलते हैं ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, लेकिन उसके बाद में हम बददुआएं देने शुरू करते हैं, अरे तो नहीं कर पाएंगे, अरे इनको अकल नहीं, अरे इनको समझ नहीं है, ये नहीं करना है, वो परमात्मा के अनुसार चलना नहीं हुआ। फिर बाबा कहते हैं हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो, तब जा करके हमारी जो सोच होगी, जो हम दुआएं देंगे उसके अंदर शक्ति होगी, वो उसका असर पड़ेगा उनके ऊपर, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों चाहे कोई भी हो। तो आज का अगर ये ईश्वर वंदन आपको अच्छा लगे, और अगर आपने इसको प्रैक्टिस करके कुछ आपने एक्सपीरियंस कर लिया हो कुछ दिनों में, तो उसका भी आप कमेंट यहाँ ज़रूर डाल दीजिएगा, और ताकि औरों के साथ भी आप उनका भी भला कर पाए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके। तो आज का आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ओम शांति।